हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे उस जगह के बारे में जिस जगह को पैराडाइज ऑन दी अर्थ यानी कि धरती पर मौजूद स्वर्ग की उपाधि से भी जाना जाता है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का समर कैपिटल है। श्रीनगर में आपको कई झीलें और गार्डन्स देखने को मिल जाएंगे और इसीलिए श्रीनगर को लैंड ऑफ लेक्स एंड गार्डन्स भी कहा जाता है। श्रीनगर में घूमने का सबसे बेस्ट टाइम फरवरी से जुलाई तक का माना जाता है। और अगर आप गोल्फ लवर है तो इन दिनों में श्रीनगर आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई गोल्फ कोर्स मौजूद है। और इसके साथ साथ श्रीनगर को भारत का सबसे बेस्ट हिल स्टेशन भी माना जाता है। तो चलिए बात करते हैं श्रीनगर में घूमने लायक जगहों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है परी महल। परी महल श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी रचना शाहजहां के बेटे दारा सिको के द्वारा 17वीं सदी में हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बौद्ध मठ हुआ करता था, बाद में इसका इस्तेमाल ज्योतिष स्कूल के लिए किया गया। परी महल डल झील के किनारे और चश्मेशाही गार्डन के जस्ट ऊपर ही बना हुआ है। और नंबर 9 पर है चश्मेशाही बाग। चश्मेशाही बाग श्रीनगर का पहला मुगल बाग है, जिसकी रचना सन 1632 में शाहजहां के कश्मीर प्रांत के गवर्नर अली मर्दान खान ने करवाई थी। एक एकड़ में फैला यह बाग श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल बाग है, जिसको रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह बाग से डल झील का नज़ारा देखने लायक होता है। और नंबर 8 पर है नागिन झील। यह झील ज्वेल इन द रिंग के नाम से भी काफ़ी विख्यात है। चारों तरफ से पेड़ों से घिरी हुई यह झील अपने साफ सुथरे नीले रंग के पानी के कारण नागिन झील के नाम से जानी जाती है। और यह झील डल झील का ही एक भाग है। यह झील अपनी गहराई और पानी के कम प्रदूषित होने के कारण स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी जानी जाती है। और नंबर 7 पर है निशांत बाग। निशांत बाग का अर्थ होता है खुशियों का बाग। यह बाग डल झील के पूर्वी तरफ स्थित है, जिसकी रचना सन 1633 में नूरजहां के भाई हसन आसिफ खान ने करवाई थी। 46 एकड़ में फैला हुआ ये बाग श्रीनगर का सबसे बड़ा मुगल बाग है। और यह बाग श्रीनगर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और नंबर 6 पर है हजरत बल शरीन। काश्मीरी भाषा में बल का अर्थ होता है जगह और हजरत बल अर्थात हजरत की जगह। हजरत बल शरीन श्रीनगर में स्थित एक प्रसिद्ध दरगाह है और साथ ही में इसको कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसमें इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद का एक दाढ़ी का बाल रखा हुआ है और इसीलिए यह जगह मुस्लिम जनसंख्या की आस्था का प्रतीक है। और नंबर 5 पर है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल शंकराचार्य पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना ईस्वीसन पूर्व 371 में राजा गोपादित्य ने करवाई थी। समुद्र तल से तकरीबन 1100 फीट की ऊंचाई पर बना ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और ऐसा माना जाता है कि पहले इसका नाम गोपादारी था, फिर आदि गुरु शंकराचार्य अपनी काश्मीर यात्रा के दौरान इस जगह पर रुके थे, तब से इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल रख दिया गया।
और नंबर चार पर है शालीमार बाग। शालीमार का अर्थ होता है प्रेम का वास। इस बाग की रचना जहांगीर ने अपनी बेगम नूर जहां के लिए सन 1619 में करवाई थी और इसके पूर्ण निर्माण के बाद जहांगीर ने वह प्रसिद्ध फारसी अभिव्यक्ति कही थी कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह बस यही है, यही है, यही है। यह बाग श्रीनगर में मौजूद बागों में से सबसे लोकप्रिय मुगल बाग है, जिसको तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे निचला हिस्सा है दीवाने आम, बीच में आता है दीवाने खास और सबसे ऊपर आता है शाही महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया हुआ हिस्सा। 31 एकड़ में फैले हुए इस बाग को चारों ओर से चिनार के पेड़ों से सुरक्षित किया गया है। और नंबर तीन पर है इंदिरा गांधी मेमोरियल तुलिप गार्डन। यह गार्डन डल झील के किनारे पर मौजूद जबरवान पहाड़ियों के ऊपर स्थित है। करीब करीब 75 एकड़ में फैला हुआ ये गार्डन श्रीनगर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसकी रचना सन 2007 में हुई थी। इस जगह पर हर साल अप्रैल महीने में 7 दिन तक चलने वाला तुलिप फेस्टिवल होता है, जिसमें 70 से ज़्यादा अलग अलग किस्मों के तुलिप पाए जाते हैं। और ये तुलिप गार्डन भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा तुलिप गार्डन है। और नंबर दो पर है गुलमर्ग। गुलमर्ग का अर्थ है फूलों की वादी, जिसकी खोज सन 1987 में अंग्रेजों ने की थी। गर्मियों के मौसम में वो अपना वक्त बिताने के लिए इस जगह का इस्तेमाल करते थे। यह जगह 2730 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए आपको केबल कार में बैठ के जाना पड़ता है। इस जगह का पहले गौरीमर्ग नाम था, फिर काश्मीर के अंतिम राजा यूसुफ शाह चक्र ने इसकी खूबसूरती को देखकर इसका नाम गुलमर्ग रख दिया। गुलमर्ग श्रीनगर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर विंटर टाइम में यानी कि दिसंबर और जनवरी में स्की और स्नोबोर्डिंग जैसी और जून जुलाई में ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी होती है। और मैं आपको बता दूं, गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स मौजूद है और साथ ही में यहाँ पर देश का प्रमुख स्की रिसोर्ट भी मौजूद है। और नंबर वन पर है डल झील। डल झील को ज्वेल ऑफ कश्मीर यानी कि कश्मीर का रत्न भी कहा जाता है। डल झील तीन झीलों के यूनियन से बना हुआ है, जिसमें लोकट और बोध डल भी शामिल है। डल झील जम्मू में मौजूद दूसरा सबसे बड़ा झील है, जो 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डल झील में मारसार माउंटेन लेक से पानी आता है और डल झील के किनारे पे कई होटल्स और गार्डन्स मौजूद है, जिसमें सबसे फेमस शालीमार गार्डन्स है। हाउसबोट और शिकारा डल झील का मुख्य आकर्षण केंद्र है और डल झील ठंडियों के मौसम में पूरी तरह जम जाती है। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।